हेलो दोस्तों, बटोत क्रू आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता है। साल 2020 हम सबको कोरोना के अंधेरे में बिताना पड़ा। बाकी देशों के मुकाबले हमारे देश ने कोरोना के खिलाफ जंग में काफ़ी सफलता मिली। हमारे देश की रिकवरी रेट 95% से ज़्यादा है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में डेथ रेट 1.45% है, जो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। जो ज़्यादा होना चाहिए वो ज़्यादा है, जो कम होना चाहिए वो कम है। और हाँ, इस कोरोना काल में काफ़ी कुछ पहली बार हुआ। छात्र पूरे साल स्कूल कॉलेज ना जा पाए। शादी में केवल 50 लोगों को इनविटेशन कार्ड मिला। जैसे कि आप सबको पता होगा, ब्रिटेन 8 दिसंबर को अमेरिकन कंपनी फाइजर की मदद से वैक्सीन देने वाला पहला देश बना। और हाँ, आपने ये भी सुना होगा, वैक्सीनेशन शुरू होने के कुछ समय बाद वहाँ के साइंटिस्टों को कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन मिले, जो मौजूदा समय पाए जाने वाले स्ट्रेन से 70% ज्यादा फैलता है, जिसकी वजह से वहाँ एक दिन में 36,000 से 40,000 केस आ रहे हैं और उनमें 95% केसेस नए स्ट्रेन से प्रभावित हैं। और हम आपको ये भी बताते हैं कि 70% जल्दी कैसे फैलता है। अगर पहले कोई स्वस्थ व्यक्ति किसी कोरोना इन्फेक्टेड व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आता था तो उसे दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्शन होने के लिए 5 से 6 मिनट लगते थे। पर अब कोरोना वायरस की नई स्ट्रेन आई है, जिससे एक स्वस्थ व्यक्ति अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आता है तो उसे इन्फेक्शन होने के लिए उसको लगभग 43 सेकंड से 51 सेकंड लगेंगे। हमारा देश भारत भी अपनी वैक्सीन बना रहा है। जैसे भारत बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मिलकर कोवैक्सीन बना रहे हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनिका मिलकर कोविशील्ड बना रहे हैं। अब तक एक्सपर्ट से इनमें से कोवैक्सीन के बारे में ही जानकारी मिली है, जिसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को कोवैक्सीन के 2 डोज मिलेंगे। पहले और दूसरे डोज में 28 दिन का फासला होगा और दोनों डोज देने के बाद 14 दिन एंटीबॉडीज का शरीर में बनने में लगेंगे, जिससे कोरोना के खिलाफ इम्यूनिटी बन जाएगी। इस समय जब कोरोना के नए नए और पहले से खतरनाक स्ट्रेन आ रहे हैं, मान लो इंडिया में सबसे पहले कोवैक्सीन वैक्सीन बन जाती है, एक कोवैक्सीन लेने वाला पहले डोज के बाद भी अगले 42 डेज कोरोना के खतरे में रहेगा। जैसे हरियाणा के गृह मंत्री, जो हरियाणा से कोवैक्सीन के थर्ड ट्रायल में हिस्सा लेने वाले हरियाणा के पहले व्यक्ति बने, पर पहली डोज के 14 दिन के बाद ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जो व्यक्ति दोनों डोज भी ले लेता है तो फिर भी अगले 14 दिन भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो सकता है। इस समय कोरोना के अंधेरे को खत्म करने वाला उजाला सिर्फ और सिर्फ कोविड गाइडलाइंस है। अब तक हमारे देश ने जितना अच्छा किया है, ये उतना ही खराब हो सकता है अगर हम कोविड गाइडलाइंस को फॉलो ना करें। 2020 तो कोरोना के अंधेरे में बीत गया, ये हमारे हाथ में है कि 2021 में कोरोना के अंधेरे को नष्ट करना है या इसे और गहरा करना है। गाइस, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी बनाए रखो। गाइस, इस वीडियो के बनाने का कारण ये है कि हम देख रहे हैं कि जब कोरोना के केस हजारों में आ रहे थे तो लोग कोरोना से डर रहे थे और कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे थे, पर इस समय जब पूरी दुनिया में कोविड के 7.98 करोड़ से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं और कोरोना के नए और पहले से खतरनाक स्ट्रेन आ रहे हैं, तो लोगों ने कोरोना से डरना छोड़ दिया है और ना ही कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। गाइस, फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, मास्क पहनो, 2 गज की दूरी बनाए रखो, अपने हाथों को साबुन से समय समय पर लगभग 20 सेकंड तक धोते रहें। इस समय कोरोना से बचने का तरीका सिर्फ और सिर्फ कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना है। गाइस, जब तक इलाज नहीं तब तक ढिलाए नहीं। हम स्वस्थ तो पूरा परिवार स्वस्थ, हमारा परिवार स्वस्थ तो पूरा देश स्वस्थ, हमारा देश स्वस्थ तो पूरा विश्व स्वस्थ। Too many thoughts on my mind.
mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these.